सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ATS TV। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं टर्की के एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस ओज़गे गुरेल के बारे में और उनके टॉप 5 टर्किश ड्रामास के बारे में जानने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओज़गे गुरेल जो टर्की के एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है, इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2010 में एक सस्पेंस टर्किश ड्रामा किराज नेरेदे से की थी, जिसमें ओज़गे ने जैनब का कैरेक्टर प्ले किया था। और 2010 में ये शो अच्छा खासा पॉपुलर हुआ, इसकी वजह से ओज़गे गुरेल को टर्की में एक एक्ट्रेस के तौर पर रिकॉग्निशन मिली। और अब तक ओज़गे गुरेल ने 6 मूवीज़ और 9 टर्किश ड्रामाज में काम किया है और इंस्टाग्राम पर ओज़गे को 5.3 मिलियन से भी ज़्यादा लोग अभी फॉलो करते हैं। किराज में उसी में टर्किश ड्रामा में ओज़गे गुरेल और सरकान चायुला, इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था इस जोड़ी को और रियल लाइफ में भी ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल और अभी एक सीरियस रिलेशनशिप में भी है। तो अब बात कर लेते हैं ओज़गे गुरेल के टॉप 5 टर्किश ड्रामाज के बारे में जिन्हें आपको ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट शो का नाम है यिल्दिज़ार शाहिदीम। 2017 में रिलीज़ हुआ ये रोमांटिक टर्किश ड्रामा आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस शो के 4 ही एपिसोड्स अवेलेबल है। ये कहानी है आरस और हाजिरन की। आरस एक पॉप स्टार है जो टर्की में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। दूसरी तरफ हाजिरन एक सिंगर बनना चाहती है और वो आरस की एक बहुत बड़ी फ़ैन भी है। एक दिन वो आरस के एक कॉन्सर्ट में जाती है और उस कॉन्सर्ट में हाजिरन को आरस के साथ गाना गाने का मौका मिलता है। उसी वक्त आरस को हाजिरन पसंद आने लगती है, लेकिन आरस का पिता फिक्रित उससे कहता है कि तू प्यार व्यार के मामले में मत पड़, तेरे लिए अच्छा नहीं है, तू सिंगिंग करियर पे ध्यान दे। आगे क्या फिक्रित आरस और हाजिरन को एक होने देगा या नहीं, ये आपको जानने के लिए देखना होगा यिल्दिज़ार शाहिदीम। और इसके सारे के सारे एपिसोड्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। हमारे नेक्स्ट शो का नाम है किराज म्यूजिक। 2014 में टेलीकास्ट हुआ ये बेहतरीन रोमांटिक टर्किश ड्रामा वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और अब तक इस ड्रामा को 20 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में टेलीकास्ट किया जा चुका है। इस कहानी में आप देखेंगे वैकू को, जो एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है और वो बचपन से ही मैते को पसंद करती है, पर कभी वैकू अपने दिल की बात मैते को बता नहीं पाती। आगे एक पार्टी में वैकू को पता चलता है कि मैते सेमा को पसंद करता है, जो उसकी एक फ्रेंड है। इस बात को सुन के वैकू बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसी पार्टी में आगे उसकी मुलाकात होती है आया से, जो मेहते का बिजनेस पार्टनर है। अब आगे आयाज वैकू को पसंद करने लगता है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा किराज में उसी में। उर्दू डबिंग में आश के नाम से भी इस ड्रामा को लोग जानते हैं। हमारे नेक्स्ट शो का नाम है बे अनिलिस। ये शो 2020 में टेलीकास्ट हुआ था। ये एक रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा है। ये शो मिस्टर रॉन्ग नाम से भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये कहानी है एसगी की, जो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे देता है और दूसरी तरफ उसकी जॉब भी चली जाती है। आगे वो अपने कज़िन के घर में शिफ्ट होती है, वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है ओज़गुर से। ओज़गुर एक प्ले बॉय है, लेकिन वो एसगी की मदद करता है उसके लिए एक नया लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा मिस्टर रॉन्ग। ये शो जल्दी ही हिंदी डब होने वाला है। हमारे नेक्स्ट शो का नाम है डोलियो ने। ये शो 2020 में टेलीकास्ट हुआ था। एक रोमांटिक कॉमेडी टर्किश ड्रामा है। कहानी में आप देखेंगे नाजली को, जो एक शेफ बनना चाहती है और उसे एक पार्ट टाइम जॉब मिलती है एक अमीर बिजनेसमैन के घर में, जिसका नाम है फरीद। फरीद और नाजली दोनों ही अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और शुरुआत में इन दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से नाजली अपनी पार्ट टाइम जॉब छोड़ देती है। अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखिए फुल मून यूट्यूब पर, उर्दू डबिंग में फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों, हमारे फर्स्ट शो का नाम है मोहतिज़िम मिकिल। ये शो 2018 में टेलीकास्ट हुआ था। ये एक एक्शन क्राइम रोमांटिक टर्किश ड्रामा है। ये कहानी है बर्जा और मुस्तफ़ा की। दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स हैं और क्राइम ब्रांच में काम करते हैं। दोनों को एक बहुत बड़ा ड्रग्स का केस रहता है, वो सॉल्व करने के लिए असाइन किया जाता है, पर दोनों ही एक साथ काम करना नहीं चाहते क्योंकि दोनों को बहुत ज़्यादा नफरत है एक दूसरे से। अब आगे जाके बर्जा को नीलोफर पसंद आ जाती है, जो मुस्तफ़ा की बहन है। अब आगे ये क्या ड्रग्स का केस सॉल्व कर पाते हैं नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा मोहतिज़िम मिकिल। तो दोस्तों, ये थे टॉप 5 टर्किश ड्रामाज ऑफ ओज़गे गुरेल जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। इनमें से आपका फेवरेट टर्किश ड्रामा कौन सा है ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।